एजुकेशन एज डायरेक्शन को फर्दर एक्सप्ल करते हैं टू वी और उसमें बताते हैं कि देर आर सर्टन मोड्स ऑफ सोशल डायरेक्शन एडल्ट एम टू डायरेक्ट द कॉन्डक्ट ऑफ द यंग बहुत कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली यानी अडल्ट यानी जो ग्रोन अप है माशरे के अशास वो यंग के जो बिहेवियर है और कॉन्डक्ट है उसको कंट्रोल करते हैं uh, शुरी तौर पर भी और लाशोरी तौर पे भी यानी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चाहते हुए और जानते हुए और ना चाहते और ना जानते हुए भी एंड देन द मोस्ट परमानेंट एंड इन्फ्लुएंशियल मोड्स ऑफ कंट्रोल आर दो विच ऑपरेट फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट कॉन्टिन्यूसली विदाउट डिलिबरेट इंटेंशन और जो सबसे इन्फ्लुएंशियल मोड्स हैं कंट्रोल के वो वो हैं जो कि कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली होते चले जाते हैं किसी भी डिलिबरेट इंटेंशन के बावजूद यानी जो खुद से किया जाए उसके उससे मुबर्रा वो बातें जो ऑटोमेटिकली होती चली जा रही हैं और टाइम एंड अगेन जो परफॉर्मेंस हम देते हैं एज अडल्ट उसका कुछ इम्पेक्ट होता है यंग के ऊपर इमिटेशन एंड सोशल साइकोलॉजी अब यहाँ वो इमिटेशन इमिटेशन यानी नकल करना एंड सोशल साइकोलॉजी यानी जो माशरती शाख है नफसियात की डू ई स्ट्रेस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन विद फेलो बीइंग्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेंटल एंड मॉरल डिस्पोजिशन अब डू ई यहाँ एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि एक प्री डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस है यानी कि जो पहले से मौजूद और डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है वो एसोसिएशन का है विद फेलो बींगस उन लोगों के साथ जिनके हम साथ पलते और बढ़ते हैं जो कि हमारी मेंटल और मॉरल डिस्पोजिशनस को गाइड करता है उनको डिवेलप करता है ये वही बात है कि जिस कम्यूनिटी का आप हिस्सा होते हैं उसके असरात होते हैं सबसे पहला इंस्टीट्यूशन तो माँ बाप हैं फैमिली है उसका जो अंदाज है वो असर करेगा एक बच्चे के ऊपर फिर उसके बाद उसके पेयर्स हैं जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं कज़न्स हैं मिलने वाले हैं मोहल्ला है फैमिली है इन सब का असर है इन सब इंट्रैक्शंस का एक बच्चे की ज़ात के डिवेलप होने पर एंड देन सोशल कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल रेस्ट अपॉन द इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू इमिटेट और कॉपी द एक्शंस ऑफ अदर्स अब यहाँ वही बात करते हैं कि इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी इंस्टिंगटिव यानी इन टेंडेंसी हमारे अंदर जो मौजूद है नेचुरली वो ये है इंडिविजुअल्स पर वो नकल करते हैं उन एक्शंस की जो कि दूसरों के दूसरों को कॉपी करके उन अंदाज के मुताबिक आगे चलते हैं अगर आप बच्चों को देखें तो डेवलपमेंट में बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह बोलते हैं बैठते हैं उठते हैं खाते हैं या मशहूर जो एक्टर्स हैं उनकी तरह बिहेव करते हैं या मशहूर कैरेक्टर्स जो हैं उनकी तरह या कार्टून्स की तरह भी बिहेव करने की बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं तो ये वो कहते हैं कि एक नेचुरल टेंडेंसी है जो उनके अंदर मौजूद है और फिर द इमिटेटिव इंस्टिंक्ट इज़ सो स्ट्रॉग दैट दंग डिवोट देम सेल्फ टू कंफर्मिंग टू दैटर्न सेट बाई अदर्स एंड रिप्रोड्यूसिंग दैम इन देयर ओन स्कीम ऑफ बिहेवियर कि वो इतना ये जो कापी करने का इंस्टिंक्ट है जो इमिटेट करने का है नकल करने का ये इतना स्ट्रॉग है कि बच्चे ऑप्ट करते हैं और कन्फर्म करते जाते हैं उस बिहेवियर को माशरे के अंदर उसको री इनफोर्स करते चले जाते हैं उस ट्रेंड को जो पहले से मौजूद है और रिप्रोड्यूस करते हैं उसी बिहेवियर को अपने ही एक अंदाज में अपने ही एक तरीके में

एनलाइटनमेंट से मुराद वही अनलाइटनमेंट है जिसकी प्लेटो बात करते थे यानि आगही और रोशनी और आपको मुनवर करने का जो सफ़र है उसकी तरफ बहुत तेज़ी से गामजन है इन अ मच शॉर्टर लाइफ टाइम दैन द ह्यूमन रेस हैज़ एवर नीडेड ओवर एजिज टू अटेन और ह्यूमन रेस ने जिसको बहुत ज़्यादा साल हा साल लग जाते थे अब वो उस पर बहुत तेज़ी से एक ऐसी स्पीड से उस तरफ गामजन है क्योंकि वो जो आए हैं उस तरफ ले जाने वाले वो चार्ज्ड हैं और कंट्रोल्ड हैं और उसका नाम एजुकेशन है